जान लीजिए बबुआ की मैया, दुनिया में वह जिंदा रहता है जो जिंदा रहने के काबिल हो। अगर शेखर जिंदा है, एकरा मतलब ये हुआ कि वो जिंदा रहने के काबिल है। अगर वो जिंदा ना होता तो आप तो जानती हैं कि वो काहे काबिल होता। नमस्कार नमस्कार लोहा सिंह जी, पहले फोन किए थे कि कल हम तिलकवा लेकर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कल तिलकवा लेकर तो आ ही रहा हूँ तो लगे हाथ कंट्रैक्ट की बात भी कर लेते हैं। और वैसे भी अब तो खरी का मामला हुआ ना। हाँ हाँ, काहे नहीं लोहा सिंह जी, अब परिवार में लेन देन तो चलता ही रहेगा। अब फिर अब आगे चल के हम आपसे कुछ बोलेंगे तो हमारी जबान खाली नहीं न जाएगी। जो मांगेंगे वो मिलेगा आपको, लोहा सिंह का वादा है आपसे। शेखर भैया जरा हमारे साथ चलिए तो। देखिए ना शेखर भैया, मुझे को कहा हो गया है, कह रही है कि अब कोनो सास सिंगार नहीं करेंगी। आप ही समझाइए ना छुटकी बहूजी को, आप हमको वचन दिए थे ना कि आप हमारी हर बात मानेंगे। देखो सिद्धेश्वरी, ये सब मत करो। छुटकी दुल्हन, जल्दी से सब रस्म शुरू हो जाएगी तो ऐसे में तुम बिना साज सिंगार के रहोगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। वैसे भी माँ जी, ये हवेली में सब हमारे अस्तित्व जानते हैं। ये साज सिंगार करने से, ये गहना पहनने से बदल जाएगा का? हाँ बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा छुटकी दुल्हन। काहे कि हम अभयन मलिस्टर साहब से बात किए हैं, उनकी एक मांग है। हम तो ठहरा लड़की वाले, तो उनका कहा तो टाल नहीं सकते ना। तो बोलो शेखरवा, मलिस्टर साहब की मांग पूरी होगी? अब ये हमसे काहे पूछ रहे हैं? काहे से कि ये बात ललिया से जुड़ी हुई है। कहा हम समझेंगे तुम अपना वचन निभाओगे? बेटा ये बखत तुमको अपना तनी खास ध्यान रखना चाहिए। तुमरा मरद ध्यान नहीं देता का? इतनी कमजोर काय को हो, और वो भी इसी हालत में। ऐसी हालत में माने? अरे तुमको पता नहीं है का, तुम्हारे पेट में बच्चा है।